सो वीडियो शुरू करने से पहले एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो में मैं गोवा के बजट ट्रिप के बारे में बताने वाला हूँ, पर ये वीडियो उन लोगों के लिए जो लोग गोवा का ट्रिप फरवरी से नवंबर के बीच में प्लान कर रहे हैं, बिकॉज उस वक्त ऑफ सीज़न होता है एंड फिर दिसंबर और जनवरी को सीज़न का टाइम रहता है और सब चीज़ें महंगी होती है। सो प्लीज़, इफ़ यू आर प्लानिंग योर बजट ट्रिप फॉर गोवा बिटवीन फरवरी एंड नवंबर, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू ऑल। सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड फॉर कम्प्लीट बजट ब्रेकडाउन। और ये नाइट टाइम की ट्रेन है, यहाँ पे मस्त लेटे लेटे सोते सोते आप लोग गोवा पहुँच जाओगे, वो भी सिर्फ 385 रुपीज़ में। आप लोगों को चीपेस्ट रूम्स और अच्छे रूम्स कहाँ पे मिलेंगे पूरे गोवा में, से भी 400 या 500 रुपये में रूम मिल जाएगा पर पर्सन के लिए में। तो गाइज, गोवा में खाना बहुत ही सस्ता है और बियर आप लोगों को मिलेगी सिर्फ 50 रुपये में। तो नए सफर की शुरुआत हो चुकी है और मैं कहाँ जा रहा हूँ ये मैं आप लोगों को बताता हूँ स्टेशन पहुँच के। ओके फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मैं हूँ छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के प्लेटफॉर्म नंबर 18 में और आज मैं जा रहा हूँ गोवा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि यार, इसकी अभी तक पहले वाली गोवा की सीरीज़ ख़त्म नहीं हुई और दूसरी शुरू भी हो गई, तो भाई मेरे साथ ऐसे ही होता है। इसके लिए आप लोगों को कभी भी गोवा की जानकारी चाहिए रहेगी, ट्रिप की, बजट की, बजट होटल्स की, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप लोग नए हैं तो, या फिर मेरे पहले वाले गोवा के वीडियोज़ भी आप लोग देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, अभी ऐसा सीन है, मैं ट्रिप के लिए नहीं जा रहा हूँ, मैं कुछ काम से गोवा जा रहा हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को इस एपिसोड में बताने वाला हूँ, इस एकलौते वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग कैसे बॉम्बे से गोवा जा सकते हो पूरा बजट ट्रिप अंडर 5000 रुपीज़। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना, इसी के अंदर इन्फॉर्मेशन है बहुत सारी कि आप लोग कैसे बॉम्बे से गोवा पहुँच सकते हो, खाना पीना घूमना, 3 नाइट 4 डेज का टोटल पैकेज पर पर्सन होने वाला है 5000 रुपीज़ ओनली, और 5000 के अंदर ही होने वाला है। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना, इस वीडियो के बीच बीच में ही मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे आप गोवा का पूरा बजट ट्रिप 5000 के अंदर कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अभी 9 बज चुके और मुझे बहुत भूख लगी है, तो पहले हम लोग डिनर करके आते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, स्टेशन के पास ही एक रेस्टोरेंट है ईरान लाइक, वहाँ पर मैं जाने वाला हूँ डिनर करने के लिए। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आया हूँ ईरान लाइक होटल में। और तो फ्रेंड्स, ये यहाँ का मेन्यू है और काफ़ी रीजनेबल रेट है हर एक आइटम के, और आपको वेज से लेके नॉन वेज डिशेस आराम से मिल जाएंगे। ये जस्ट स्टेशन के बाहर ही है, मैं गूगल मैप पे इसका लोकेशन डाल दूंगा। और आपको सबसे बेस्ट तो यहाँ पे बिरयानी बहुत सही मिलेगी, चिकन बिरयानी 120 रुपये की ऑर्डर कर रहा हूँ। दिस इज़ माई चिकन बिरयानी, सामने थोड़ा सैलेड भी सुपर्ब है। देखा आप लोगों ने, 10 बजे से पहले हम लोग की ट्रेन लग गई, अभी 1 घंटा है जाने के लिए 11 बजे की ट्रेन। ट्रेन थोड़ा बोर्ड कर लेते हैं, सामान वगैरह रख लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। तो जब भी आपकी ट्रेन कोई भी स्टेशन से हो, आप लोग सबसे पहले आपका कोच चेक कीजिए टिकट पे, और उसी कोच नंबर के नीचे आप लोग खड़े रहिए। जैसे मेरा S3 है, तो मैं S3 के नीचे ही खड़ा था। तो पहुँच गए हम लोग के कोच में S3 और चलते हैं अंदर। ओके, सो फाइनली ट्रेन बोर्ड कर लिए और पूरे बोगी में मैं अकेला ही। अभी आएंगे लोग एक एक करके और सो जाएंगे, क्योंकि वैसे भी ये रात की ट्रेन है। तो फ्रेंड्स, गोवा जाने के लिए द सीन इज़ कि यहाँ पे बहुत सारी ट्रेन्स अवेलेबल है, वीकली तो 13 ट्रेन्स है 13, एंड डेली बेसिस पे 4 ट्रेन्स आपको मिलेंगी गोवा जाने के लिए। जैसे आप लोगों को मैंने मेरे पहले वाले वीडियोस में भी बताया कि गोवा जाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, जैसे कि आप लोग ट्रेन से जा सकते हो, बस से जा सकते हो, शिप से जा सकते हो, बाय रोड कार करके जा सकते हो, या फिर फ्लाइट से भी जा सकते हो। तो सबसे चीपेस्ट ऑप्शन है ना गाइस, ये ट्रेन का है। तो आप लोग जब भी ट्रेन से गोवा जाओगे ना, तो आप लोगों को बहुत सस्ता पड़ेगा। मेरी ये जो टिकट है स्लीपर क्लास की, वो मुझे पड़ी ओनली 385 रुपीज़ में। सही है ना यार, और क्या चाहिए। और इससे पहले पिछले साल मैंने एक वीडियो बनाया था 2021 में, जब मैं वसई से मड़गांव गया था, यानी कि वसई से गोवा गया था, तब मेरे ट्रेन की टिकट का किराया समथिंग 240 रुपीज़ था पर पर्सन, मैं और मेरा दोस्त गए थे। तो 240 में भी क्या बुरा है, लेकिन तब डे टाइम की ट्रेन थी और जस्ट बैठे बैठे आना था। और ये नाइट टाइम की ट्रेन है, यहाँ पे मस्त लेटे लेटे सोते सोते आप लोग गोवा पहुँच जाओगे, वो भी सिर्फ 385 रुपीज़ में।
और रिटर्न का भी 385 रुपीज़ है, मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। ये ट्रेन जो मैंने पकड़ी है ना गाइस, वो सबसे बेस्ट ट्रेन है गोवा जाने के लिए, क्योंकि ये आपको रात को पकड़नी होती है 11 बजे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से या फिर दादर स्टेशन से, तो वो आपको सुबह गोवा पहुंचा देगी। और गोवा यानी कि आपको पहले पहुंचाएगी पेडनेम, या फिर अगर आप पेडनेम नहीं उतरना चाहते तो आप थिवीम उतर सकते हो, या फिर डायरेक्ट आप उतर सकते हो मडगांव। तो अगर आप लोगों को साउथ गोवा जाना है तो आप लोग इस ट्रेन से मडगांव उतर सकते हो, या फिर अगर आप लोग पार्टी एनिमल्स हो और आप लोगों को पार्टी करने जाना है बागा कलंगूट साइड, तो आप लोग थिवीम उतर सकते हो, या फिर अगर आप लोगों को एक्सट्रीम नॉर्थ में जाना है अरम्बोल मैंड्रेम मोरजिम, तो आप लोग पेडनेम स्टेशन उतर सकते हो। और ये सब स्टेशन उतरने के बाद सबसे चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन सा है आपके डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए, ये भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिए, कोई भी चीज़ मिस मत करना। तो फ्रेंड्स अभी 11:04 हो रहे हैं और बस 5 मिनट में अभी ट्रेन निकलने वाली है। तो द सीन इज, देखो कॉफ़ी वाले आ गए, जाते रहते। अच्छा है, कभी कभी रात को तो कोई कॉफ़ी नहीं पीता जिसको जागना है, और उनका स्टेशन आने वाला है 2-3 घंटे में, अगर कहीं और उतर रहे गोवा से बहुत पहले या बीच में ही कहीं उतर रहे चिपलून साइड में खेड़ साइड में, तो उनके लिए अच्छा है कॉफ़ी पी के 2-3 घंटे जाग सकते हो और उतर सकते हो। तो गाइस द सीन इज़ कि अगर आप लोग ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो तो फिर आप लोगों को 4 ऐसी ट्रेन मिलेंगी जो डेली बेसिस पे मुंबई से गोवा जाती है, तो वो स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हो। अब जो स्क्रीन पे ट्रेन्स के नाम दिख रहे हैं वो वीकली बेसिस पे गोवा जाती है मुंबई से, तो आप लोग देख सकते हैं कि बातों बातों में ट्रेन भी शुरू हो चुकी है। तो आप थोड़ा आराम करते हैं और अभी डायरेक्ट सुबह मिलते हैं, ठीक है। 6:21 हो रहे और पहुंच चुके हैं रत्नागिरी, अब ट्रेन निकलेगी थोड़ी देर में यहाँ से। सो फ्रेंड्स सुबह नाश्ते में मैंने वड़ा पाव खाया जो 15 रुपये का था और काफ़ी टेस्टी था। गुड मॉर्निंग, 9:15 हो रहे और मैंने कुड़ाल क्रॉस किया है, तो अभी जस्ट सावंतवाड़ी आएगा और उसके बाद नेक्स्ट स्टेशन है पेडनेम जहाँ पे मैं उतरने वाला हूँ, मेरा कज़िन मुझे लेने आने वाला है। तो द सीन इज गाइज, अगर आप लोग मडगांव, जैसे मैंने बताया कि अगर आप लोग साउथ गोवा जा रहे हो तो आपको मडगांव उतरना पड़ेगा। मडगांव उतर के आप लोग कैसे चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं वो मैं आप लोगों को बता दूँ। मडगांव उतर के आपको सीधा स्ट्रेट जाना है और आगे बस के लिए इंक्वायरी करनी है, लोकल बस के लिए। अगर आप लोग सुबह 7 बजे के बाद या शाम 7 बजे से पहले मडगांव उतरते हो तो आप लोगों को बस सर्विस मिलेगी, लोकल बस सर्विस है, और वहाँ पर आप लोग स्टेशन से बाहर जाती ही इंक्वायरी करो कि बस कहाँ पे मिलेगी। तो जैसे ही आप लोगों को बस मिल जाएगी आप लोग आपके डेस्टिनेशन पे आराम से पहुँच सकते हो, क्योंकि वहाँ पे मेन 3 बस स्टैंड्स है, एक मडगांव बस स्टैंड, एक है पंजिम बस स्टैंड और एक मापसा बस स्टैंड। सपोज आप लोग बाई चांस दोपहर को मडगांव उतर गए और आप लोगों को थिवीम उतरने ही नहीं मिला और आप लोगों को जाना था नॉर्थ गोवा, तो फिर सबसे ईजिएस्ट मोड है बस का, क्योंकि आप लोग मडगांव से बस पकड़ सकते हो, सीधा आपको बस लेके जाएगी पंजिम तक और पंजिम से आपको जाना है मापसा, यानी कि आपको 2 बस चेंज करनी, फिर मापसा से आपकी रेगुलर बस जो बागा और कलंगूट लेके जाती है। और अगर आप लोग थिवीम उतरते हो, थिवीम स्टेशन से बाहर जब भी आप उतरोगे तो आपको स्ट्रेट वॉक करना है, और स्ट्रेट वॉक करते ही आपको एक बस स्टैंड मिलेगा, उस बस स्टैंड से आप लोग डायरेक्ट जा सकते हो मापसा बस स्टैंड। और मापसा बस स्टैंड से आपको तो पता ही है, जैसे मैंने बताया, कलंगूट बागा या कहीं के लिए भी बस मिल जाएगी, इवन आप लोगों को अरम्बोल मैंड्रेम मोरजिम कोई भी बीच के लिए बस मिल जाएगी आराम से। अगर आप लोगों को बस नहीं पकड़नी क्योंकि आप लोग सुबह 7 बजे से पहले पहुंच रहे हो या फिर शाम को 7 बजे के बाद पहुंच रहे हो, तो एक ऑप्शन है आपके पास जो इतना महंगा नहीं है, सस्ता है थोड़ा सा और कन्वीनियंट ऑप्शन है, वो है बाइक का। तो मैंने उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया, आप लोग जाके मेरे चैनल पे नीचे देख सकते हो, बाइक स्कैम इन गोवा, उस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया अच्छे से कि अगर आप लोग कोई भी स्टेशन पे उतरते हो, मडगांव हो थिवीम हो या करमाली हो, तो आपको इजीली बाइक सर्विस मिल जाएगी, आपको वो दिए हुए नंबर्स पे सिर्फ कॉल करना है और वो लोग आपको स्टेशन पे बाइक ला के दे देंगे। तो फ्रेंड्स ये है वो मेरा पहला वाला वीडियो जहाँ से आपको बाइक के कॉन्टैक्ट्स मिल जाएंगे अलग अलग स्टेशंस के। तो जैसे ही आप मडगांव स्टेशन उतरते हो तो स्क्रीन पे जो भी नंबर्स दिख रहे हैं आप उनको कांटेक्ट कीजिए, तो वो लोग आपको बाइक या 4-व्हीलर ला के दे देंगे। तो अगर आप करमाली स्टेशन उतरते हो तो वहाँ के भी नियर बाय के मैंने नंबर्स दिए हुए हैं, वहाँ पे आप 4-व्हीलर या 2-व्हीलर बुक कर सकते हो। अगर आप लोग थिवीम उतरते हो तो वहाँ के भी नंबर्स मैंने दिए हुए स्क्रीन पे, आप लोग वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आपकी एडवांस बुकिंग कर सकते हो स्कूटी की, तो ये आपको इजी पड़ जाएगा। जैसे आपको स्टेशन पे बाइक मिल जाएगी, बाइक लेके आप लोग चले जाइए आपके होटल में और एंजॉय कीजिए गोवा को। तो अब सावंतवाड़ी स्टेशन से ट्रेन निकल चुकी है और पहुंच जाएंगे हम लोग पेडनेम जहाँ पे मुझे उतरना है। तो आप लोगों को मैंने चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट तो बता दिया कि कैसे आप लोग मडगांव या फिर थिवीम उतर के कहीं इसके लिए भी आपके डेस्टिनेशन पे जा सकते हो। तो अभी मैं आप लोगों को रूम के बारे में बताऊंगा, लेकिन इससे पहले पहुंचते गोवा थोड़ा फ्रेश होते हैं फिर रूम्स के बारे में बात करते हैं, सो दैट आप लोगों को मैं अच्छे से बता सकूं कि यहाँ पे आप लोगों को चीपेस्ट रूम्स और अच्छे रूम्स कहाँ पे मिलेंगे पूरे गोवा में। तो चलिए अब सावंतवाड़ी तो क्रॉस कर लिया, पहुँचते हैं पेडनेम स्टेशन और फिर फ्रेश होकर आप लोगों को आगे का अपडेट देता हूँ। उतर चुके पेडनेम स्टेशन,
और अभी कज़िन का वेट करते आगे जाके। तो ये पेंडम स्टेशन है, छोटा सा स्टेशन है और सबसे लास्ट में उतरा था। दो लोग अभी यहाँ पे आ रहे हैं, बस यही लोग हैं। और स्टेशन का बोर्ड है, अब यहाँ से नीचे उतरने वाला हूँ मैं। इतना अच्छा स्टेशन है कि जाने का मन ही नहीं कर रहा वापस। सो उतर गया पेंडम स्टेशन पे और मेरा भाई मुझे लेने आया। क्या बोलता फ्रांसिस? यो, तो अभी जाते हैं घर पे, फ्रेश होते हैं, फिर आगे का आप लोगों को अपडेट देता हूँ। ओके, सो पहुँच चुके हैं मेरे गांव, मेरे देश, मेरे गांव के घर पे, और अभी रिलैक्स करेंगे, जाएंगे थोड़ा फ्रेश होएंगे। ओके, सो पहुँच चुके मेरे गांव वाले घर एंड अभी खाना खा के हम लोग थोड़ा आराम करेंगे। बट आप लोगों को मैं इस वीडियो के एंड में लेके चलता हूँ जहाँ पे मैंने बाकी डिटेल्स दिए गोवा के बजट ट्रिप के बारे में। तो मैं अभी मेरे गाँव में हूँ और खा रहा हूँ ये स्टफ्ड बांगड़ा, देखो रचाड़ो मसाला भरा हुआ अंदर, देखो वाह मस्त, क्या मज़ा आ रहा है। देखो ये मसाला, देखो रेड रेड, वाओ सुपर्ब। सो ये है आज का मेन्यू, चिकन शाकुदी, वाइट राइस एंड स्टफ बांगड़ा, वाओ। फ्रेंड्स, पेट भर के मैंने दबाया खाना। ये पहले आप लोगों ने देखा, एक बांगड़ा का चाड़ू खाया, फिर ये दूसरा, ये तीसरा और ये फोर्थ एंड फिफ्थ। तो गैस इतना मैंने किसी की शादी में भी नहीं खाया है। बहुत टेस्टी गैस, बहुत टेस्टी। जो होम मेड फूड होता है ना, जो विलेज में बनता है, जो एक्चुअल गोवन के घर में बनता है, वैसा आपको किसी रेस्टोरेंट में नहीं मिलेगा। इसके लिए आप लोग कभी भी किसी रेस्टोरेंट में जाओ तो पहले देखो कि वो रेस्टोरेंट किसी गोवन का है या नहीं। अगर गोवन का है तो ही गोवन डिशेज ट्राई करना वहाँ पे, तो आपको ऑथेंटिक टेस्ट मिलेगा सच में। देखो मसाला, देखो मसाला, देखो वाओ, देखो ना, देखो लाल कलर जो है ना, जो क्या टेस्ट आता है ना इसका, सुपर। डू ट्राई गाइस। टू डेज लेटर। तो अब पहुंच चुके हैं पेंडम स्टेशन और वापसी के लिए निकल रहे हैं। थैंक्स ब्रो। ओके, यो चल। तो फ्रेंड्स, ये है पेंडम स्टेशन और अभी ट्रेन आएगी थोड़ी देर में, तो अपने कोच की तरफ चलते हैं हम लोग। S6 है मेरा, लेट्स गो। तो फ्रेंड्स, अभी मैं पेंडम स्टेशन पे हूँ और वीडियो यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है। अभी आप लोगों को और डिटेल्स देता हूँ। यहाँ पे सिर्फ मेरा दो दिन का ही ट्रिप था क्योंकि मैं कुछ काम से आया था, और साथ ही साथ मैंने घूमा कुछ जगह जैसे कि कैजी बार और फिर स्मोक फिश कैफ़े और ऐसे दो तीन जगह पे मैं घूमा था। तो उसके वीडियोज़ आएंगे बाद में, लेकिन ये वीडियो में मैं आप लोगों को सब डिटेल्स देने वाला हूँ जैसे कि सस्ते होटल्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, अभी जैसे मैंने आप लोगों को ट्रेन का बता दिया कि आपको कौन सी ट्रेन पकड़नी है, आप लोग कहाँ से आ सकते हो और स्टेशन से कैसे पहुँच सकते हो आपके डेस्टिनेशन पे, ये सब तो मैंने बता दिया। तो अभी मैं आप लोगों को रूम के बारे में बताऊंगा कि आपको सस्ते रूम्स कहाँ पे मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग सोलो ट्रैवलर है या फिर ग्रुप में है या फिर अगर आप लोग कपल भी है, तो आप लोगों को इजीली बहुत सारे सस्ते रूम्स मिलेंगे गोवा में। जैसे कि स्टार्ट कीजिए होम स्टे से, अगर आप लोग होम स्टे बुक करते हो कोई भी, तो आपको 800 से 1000 रुपये के अंदर मिल जाएगा। और वो 800 से 1000 में आप लोग अगर ग्रुप है तो तीन जन एक रूम में रह सकते हैं, तो डिवाइड करेंगे तो आपका 400 तक बनता ही है, ऑलमोस्ट 400 से भी कम, लेकिन फिर भी हम लोग मोटा मोटी 400 पकड़ते हैं, ठीक है। तो 400 रुपये पर पर्सन आपको इजीली रूम मिल जाएगा। या फिर अगर आप लोग सोलो ट्रैवलर है या फिर बहुत सारे ग्रुप है, तो आप लोग हॉस्टल प्रीफर कर सकते हो, तो हॉस्टल भी बहुत सही लगेगा आपको अगर आप लोग सोलो ट्रैवलर है या फिर ग्रुप में हो। बट अगर आप लोगों का ग्रुप बहुत ज़्यादा है, जैसे कि आप लोग 10 से 12 लोग हैं, तो मैं आप लोगों को कहूँगा कि आप लोग एक विला बुक कीजिए जिसका रेट करीबन पर नाइट 3 से 4 हज़ार रुपया होता है। अगर मोटा मोटी 4 हज़ार भी हुआ, तो आप लोग अगर 10 जन है तो आप लोग आराम से 400 रुपये पर पर्सन दे के पर डे के हिसाब से बुक कर सकते हो विला। तो 4 हज़ार अगर आप लोग 10 जन में डिवाइड कर रहे हो तो आराम से 400 रुपये पर पर्सन हो रहा है। तो ये हो गया आपका रूम का चार्ज। और अभी मैं तीन वेबसाइट्स बताता हूँ जिससे आप लोगों को सस्ते में रूम मिल जाएंगे, एकदम सस्ते में। तो फर्स्ट वेबसाइट है booking.com। आप लोग booking.com पे आपका बजट डाल के चूज़ कर सकते हो कि आप लोग कैसे पर पर्सन में आप लोगों को कैसा रूम चाहिए, कैसी फैसिलिटीज़ चाहिए। 400 रुपये में आपको बेसिक फैसिलिटीज़ तो मिल जाएंगी, बेड होगा, टीवी होगा, उसके बाद बाथरूम में गीज़र वगैरह होगा, मतलब अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ तो मिल जाएगी आप लोगों को। सेकेंड है makemytrip.com। makemytrip ऐप से आप लोग बुक कर सकते हो या फिर makemytrip के वेबसाइट से बुक कर सकते हो। आप लोगों को makemytrip से भी 400 या 500 रुपये में रूम मिल जाएगा पर पर्सन के लिए। या फिर अगर आप लोग दो लोग हैं, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि मैं ये वीडियो बजट वीडियो जो बना रहा हूँ, अभी जो वीडियो आप लोग देख रहे हो वो दो लोगों में डिवाइड होने वाला है, क्योंकि अगर आप लोग सोलो ट्रैवलिंग करेंगे तो घूमना आपको महंगा पड़ सकता है, इसलिए दो लोगों में डिवाइड कर रहा हूँ। तो अगर आप लोग दो लोग हैं तो आपको 1000 रुपये में तो रूम आराम से मिल जाएगा, या फिर 800 में भी मिल जाएगा।
1,800 रुपये में आप लोगों को मेक माई ट्रिप से मिल जाएगा, तो उसी का हो जाता है 400 रुपये पर पर्सन। और थर्ड है goibibo.com। goibibo से भी आपको सस्ते में रूम मिलेगा। लास्ट टाइम मैं एक जगह पे रुका था goibibo से, हम लोग 3 लोग थे और 900 रुपया चार्ज था पर नाइट का, तो हम लोग 3 लोग में आराम से 300-300 रुपया डिवाइड हुआ। तो goibibo से भी आप लोगों को सस्ते रूम्स मिल सकते गोवा में। तो जैसे मैंने बताया कि 3 नाइट 4 डेज का आपका प्लान है, तो रूम कितने दिन के लिए बुक करें, तो रूम आप लोग सिर्फ 3 दिन के लिए बुक कीजिए। जैसे जिस ट्रेन से मैं अभी आया, कोंकण कन्या एक्सप्रेस से, मुंबई से मैं रात को बैठा था और गोवा पहुंचा सुबह, तो आपको जो सुबह आप लोग पहुंच रहे हो वहां से लेके 3 दिन तक बुक करना है। जैसे कि मंडे अगर आप पहुंच रहे हो तो मंडे ट्यूसडे वेनेसडे, और तो आपका चेकआउट होगा थर्सडे को, तो आपकी ट्रेन होनी चाहिए थर्सडे की शाम की ट्रेन, तो वो आपको अच्छा पड़ेगा। क्योंकि आप लोग को हाँ ज़्यादा कुछ बैग मतलब बोलते हैं ना इतना सामान लेके मत ट्रैवल करना, क्योंकि जो लास्ट वाला दिन रहेगा जिस दिन आप चेकआउट कर रहे हो थर्सडे को, उस दिन भी आप लोग घूम सकते हो थोड़ा आसपास, या फिर स्टेशन के पास भी बहुत सारी अच्छी अच्छी जगह होती है वहाँ भी आप लोग घूम सकते हो, और उस दिन आपको रूम का भाड़ा भी नहीं देना पड़ेगा, तो थर्सडे का आपका रूम का भाड़ा ऐसे ही बच जाएगा। तो सिर्फ 3 दिन के लिए रूम बुक कीजिए जब भी आप लोग गोवा जा रहे हो। तो अभी बात करते हैं फूड के बारे में। तो गाइस गोवा में खाना बहुत ही सस्ता है, मैं ऐसे कोई चाय पानी की रेस्टोरेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, एक अच्छे होटल की बात कर रहा हूँ, या स्ट्रीट फूड की भी बात नहीं कर रहा हूँ। आप अगर सादे रेस्टोरेंट में भी जाएंगे और आप लोग अगर नॉन वेजिटेरियन हो या वेजिटेरियन हो, तो वेज थाली आपको आराम से 100 रुपये में मिल जाएगी, और अगर आप लोग नॉन वेजिटेरियन हो तो 150 रुपये में फिश या फिर चिकन थाली आराम से मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, अभी मैं आप लोगों को गोवा के ऐसे रेस्टोरेंट्स के नाम बताऊंगा जहां आप एकदम सस्ते में वेज या नॉन वेज थाली एंजॉय कर सकते हो। तो ये नॉर्थ गोवा की लिस्ट है जहां मैं पर्सनली विजिट करके खा चुका हूं इन रेस्टोरेंट्स में। आप लोग चाहिए तो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये है मिडल गोवा यानी कि सेंट्रल गोवा की लिस्ट जहां मैंने बहुत बार विजिट किया है इन रेस्टोरेंट्स को। और ये है साउथ गोवा के रेस्टोरेंट्स की लिस्ट जहां मैंने मेरे पर्सनल फेवरेट रेस्टोरेंट्स विजिट किए हैं। तो अब ये आपके ऊपर है फ्रेंड्स कि आपको इनमें से कहां कहां विजिट करना है, क्योंकि ये सारे रेस्टोरेंट बहुत ही अमेजिंग है और आप लोग यहां ज़रूर विजिट कीजिए जब भी आप नॉर्थ गोवा, मिडल गोवा या साउथ गोवा में हो तब। तो फूड का अगर आप लोग नॉन वेजिटेरियन हो तो 150-150 यानी कि लंच का 150 और डिनर का 150 हो जाता है 300, और 100 रुपये ब्रेकफास्ट का पकड़ लो, तो पर डे आपका फूड का सिर्फ खर्चा आएगा 400 रुपये, और बियर आप लोगों को मिलेगी सिर्फ 50 रुपये में। तो 50 रुपये में अगर आप लोग एक बियर ले रहे हो तो 4 अगर आप लोग बियर पीते हो एक दिन में, मोटा मोटी ज़्यादा ही पकड़ के चलो 4 बियर, तो 200 रुपये हो जाते हैं पर डे का। तो 3 दिन के आपके बियर के हो जाएंगे 600 रुपये, तो 1200 हो गया फूड का, क्योंकि जैसे मैंने बोला 400 रुपये पर डे का है, तो 3 दिन का 1200 हो जाता है, और 1200 प्लस 600 यानी कि 3 दिन के बियर का 600 रुपये हो जाता है, तो 1200 प्लस 600 हो गया आपका 1800 रुपये सिर्फ खाना और पीने का। और अभी बात करते कि कैसे घूमें। तो फ्रेंड जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग 2 लोग ट्रैवल कर रहे हो साथ में, तो आप लोग एक स्कूटी हायर कीजिए, वो आपको आराम से 300 रुपये में मिल जाएगी, तो 3 × 3 हो जाएगा, 3×3 = 9 यानी कि 900 रुपये में आप लोग 2 जन कंट्रीब्यूट करोगे, तो 450 + 450 900 में, यानी कि पर पर्सन का स्कूटी का कॉस्ट आ जाता है 3 दिन का 450 रुपीज़। 300 से आपको आराम से स्कूटी मिल जाएगी 300-350 में। तो 3 दिन के लिए अगर स्कूटी चाहिए तो 300 × 3 करेंगे तो हो जाता है 900 रुपीज़, और 2 जन में डिवाइड हो जाता है 450 450। और पेट्रोल की अगर बात करें तो 3 पर डे के हिसाब से आप लोग सबको सिर्फ 3 दिन ही पेट्रोल भराना है, और 300-300 आप लोग भरा लीजिए। 300-300 भी बहुत ज़्यादा हो गया, एक दिन में 300 खाली नहीं होगा, फिर भी 300 का अगर आप लोग ने भरा लिया तो हो जाता है कि 3×3 = 9 यहाँ पे, और 9 वापस 900 में 2 जन का डिवाइड किया तो 450 + 450 900, तो टोटल आपका है ना पर पर्सन घूमने का खर्चा हो जाता है 450 स्कूटी का कंट्रीब्यूशन और 450 पेट्रोल का कंट्रीब्यूशन, तो हो जाता है 900 रुपीज़। और हाँ, स्कूटी लेके आप लोगों को कहाँ कहाँ घूमना है मैं ऑलरेडी उसके ऊपर वीडियो बहुत बार बना चुका हूँ, आप लोग मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो, या फिर यहाँ पे मेरे चैनल के जो स्क्रीनशॉट आ रहे होंगे वहाँ पे आप लोग जाके चेक कर सकते हो। मेरे चैनल में बहुत सारे वीडियोज़ मैंने बनाए हैं कि आप लोग गोवा में कहाँ घूम सकते हो स्कूटी लेके, या फिर आप लोग अगर बस से भी घूमना चाहते हो तो घूम सकते हो, बट फिर भी अगर आप लोगों के पास स्कूटी रहेगी तो आप लोग बेधड़क कहीं भी घूम सकते हो आराम से। और सब फ्री प्लेसेस का मैंने वीडियो बनाया था, तो वहाँ पे आपको पार्किंग भी फ्री है और एंट्री का भी कोई चार्ज नहीं लगता, तो ये बहुत अच्छा है बजट ट्रैवलर्स के लिए। तो आई होप साइट सीइंग का भी आप लोगों को पता चल गया कि स्कूटी से आप लोगों को कहाँ कहाँ घूमना है गोवा में। तो अभी टोटल बजट आप लोगों को बता, तो ट्रेन से आप लोग आओगे तो 385 मेरा लगा आने का, और अभी जा रहा हूँ वापस वो भी 385, तो हो जाता है ट्रेन का चलो 1000 पकड़ लो, 400-400 भी मत पकड़ो, 1000 पकड़ लो, ठीक है। आपका ट्रेन का टिकट हो जाता है आने जाने का मुंबई टू गोवा, गोवा टू मुंबई का 1000 रुपीज़, और उसके बाद आपका फूड का हो जाता है खाना पीना दोनों का, फूड का आपका हो जाता है 1800 रुपया 3 दिन का, रूम का आपका हो जाता है 1200 रुपया 3 दिन का, क्योंकि 400 × 3 आपको करना है, और लास्ट डे तो आपको चेकआउट करना है, उस दिन आप लोगों को ऐसे ही घूमना है बैग लेके, तो आपका वही 3 नाइट 4 डेज का प्लान है। तो अभी आप लोगों को मैंने ट्रेन का बताया, फूड का बताया और रूम का बताया, तो अभी साइट सीइंग की बारी आती है। तो साइट सीइंग का जैसे मैंने बताया आपको पड़ेगा 900 रुपीज़, तो ऐसे टोटल करेंगे तो हो जाता है 4900, तो हो गया ना 5000 के अंदर गोवा ट्रिप। अभी मजा आएगा ना भिड़ो।
तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और ऐसे ही बजट ट्रैवलिंग करते रहिए। और अगर कुछ भी डाउट रहेगा मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं तुरंत रिप्लाई दूंगा। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।